पश्चिमी राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेश से जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्षेत्र में प्रगतिशील किसान अनार, खजूर, बेर, अंजीर व नींबू की खेती को तो अपना रहे हैं। प्रगतिशील किसान सिंधरी पूर्व प्रधान सोहलाल भाबू ने आड़ेल स्थित भाबू का बेरा फार्म हाउस पर खेती में नवाचार करते हुए आयुर्वेदिक औषधि सहजन के पौधे की खेती की है। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी के डॉक्टर रावताराम भाखर ने बताया कि सहजन की फली या फूलों का सेवन आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। सहजन की खेती के लिए आप बलुई दोमट मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बंजर जमीन का भी इस्तेमाल इसकी खेती के लिए कर सकते हैं। सहजन एक ऐसा पौधा है जो सभी तरह की ज़मीन में आसानी से लग जाता है। आप जिस भी ज़मीन में सहजन की खेती करें तो उसका पीएच लेवल 6 से 7 तक होना चाहिए। इसके अलावा सहजन की खेती आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तापमान वाली जगह पर आराम से कर सकते हैं। क्षेत्र के कई किसान आयुर्वेदिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे यह कम लागत से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एक नया जो फसल है, औषधीय फसल है, वह है ड्रमस्टिक, जिसको मोरिंगा या सहजन की खेती के नाम से जानते हैं। इसकी तरफ भी किसानों का रुझान बढ़ा है। सहजन एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसी विषम परिस्थितियों वाले और कम पानी वाले क्षेत्र के अंदर आराम से उग जाता है। और यह जो पौधा है, यह औषधीय गुणकारी होने के साथ साथ और यह जो पौधा है बहु उपयोगी पौधा है। इसकी जो पत्तियां हैं वह बकरियां, भेड़ बकरियां हैं जो बड़े चाव के साथ खाती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होने के कारण, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने के कारण भी बकरियों के, पशुओं के लिए भी इसकी पत्तियाँ जो है वह फायदेमंद है। और इसके जो फलियाँ आती है सहजन की, वह फलियाँ हैं जो कि औषधीय गुण होने के कारण जो किसान है वह इसकी बड़ी मात्रा में डिमांड है। और सब्जी है जो सब्जी के रूप में इसकी फलियों को सब्जी बना के खाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट और अन्य गुणकारी लाभ होने के कारण इसकी फलियों की डिमांड है वर्तमान में वो भी बड़ी है। और सहजन के पत्तों का उपयोग जूस बनाने में होता है। इसके अलावा यह पौधा औषधीय रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। सहजन की फली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा सहजन की वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सोहलाल भाबू ने बताया कि सहजन एक तरह का पौधा है जिसमें आपको सहजन की फली देखने को मिलती है, जो आप बाजार में कच्ची या हरी बेच सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी पकी हुई फली भी किसानों को बेच सकते हैं। धूल मिट्टी और पसीने की दुर्गंध हमारे कपड़ों की चमक और महक दोनों छीन लेते हैं और करते हैं हमें शर्मिंदा। पर अब ना हो परेशान, घर लाएं अपने शहर बाड़मेर में निर्मित असरदार और खुशबूदार धीरज गोल्ड डिटर्जेंट।